तो दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल माउंटेन यारी में। तो आज हम कैंपिंग करने वाले हैं अपने गांव से 2 किलोमीटर की दूरी पर, जहां पर हम पहाड़ी चढ़कर जाएंगे और वहां पर कैंपिंग करेंगे। काफ़ी मस्त डेस्टिनेशन है और ये हमारी पहली कैंपिंग है, तो इस वीडियो में आपको बहुत कुछ देखने को मिलेगा। बने रहे हमारे साथ। असल में मंजिल कहीं है ही नहीं, ये यात्रा ही मंजिल है। इसी के साथ हम धीरे धीरे अपने पड़ाव की ओर आगे बढ़ते गए। डाली डाली फूलों की, तुझको बुलाए रे मुसाफिर मेरे उत्तराखंड में। बादलों की ओर से काफी ऊपर आ चुके हैं और यहाँ से अभी भी हमें 1.5 किलोमीटर ऊपर चढ़ना और मेरे दो साथी आगे बढ़ गए हैं और मैं यहाँ पर वीडियो शूट कर रहा हूँ। कुछ टाइम लग रहा है, तो आप अभी भी यहाँ पर भी कैंपिंग का शौक है तो हमारी वीडियो का लुत्फ जरूर उठाइए। तो दोस्तों, अभी भी यहाँ पर सफर काफी बचा हुआ है और आगे का डेस्टिनेशन मैं आपके साथ शेयर करूंगा। तो अभी हम घने जंगलों के इधर से रास्ता है वहां से आगे बढ़ते हुए, तो ऐसे ही सुंदर नज़ारों का आपको विवरण देखने को मिलेगा। तो दोस्तों, ये पीछे आप मेरे पीछे देख सकते हैं, ये बहुत ही पुराना घर है और कहा जाता है कि हमारे दादा परदादा के जमाने का था, जब वो यहाँ पर गाय बकरियाँ रखते थे और उनके साथ रहते थे। इसके बारे में मैं आपको अभी तो पूरे इसके बारे में मुझे तो फिलहाल कुछ ज़्यादा पता नहीं है, पर इतना पता है कि ये तो दोस्तों अब ये यहाँ से गांव की सीमा ख़त्म होती हुई, अब यहाँ से हमें थोड़ा पैदल चलकर घने जंगलों के बीच आगे जाना होगा। तो यहाँ से अभी हमें कुछ दूरी तक पैदल रास्ता चलना होगा। तो अब तो दोस्तों, मैं आपको व्यू बताता हूँ, अनबिले ये देखिए, काफी अच्छा व्यू यहाँ से देखने को मिलता है। और यहाँ से उधर आपको चौखंबा पर्वत भी देखने को मिलता है, लेकिन धुंध की वजह से अभी इतना साफ दिख नहीं रहा है, जिसके चलते हमें पर्वत सही से दिखाई नहीं दे रहा है। तो दोस्तों, अभी हम आ चुके हैं तोलियों खाल की धार में, जो कि यहाँ पर एक जगह है, वहां पर एक धार है, वहां पर है, वहां आप मेरे पीछे का नजारा देख सकते हो, काफी सुंदर नज़ारा। और दोस्तों, यहाँ से शाम का नज़ारा काफी सुंदर दिखाई देता हुआ है, ये आपको ये दिखाई दे रहा है। यहाँ पर एक वाइट होम स्टे भी है, वाइट पीक होम स्टे, जहाँ पर रहने खाने और ठहरने की उचित व्यवस्था है। अगर आप भी कभी आएंगे तो यहाँ पर ठहर सकते हैं, जो प्रकृति की गोद में बसा हुआ। तो मैं आपको जूम करके दिखाता हूँ, ये देखिए दोस्तों, काफ़ी अच्छी डेस्टिनेशन है, काफ़ी अच्छी जगह पर है। तो अगर आप भी वाइल्ड लाइफ के शौकीन हैं और आपको भी जंगलों में समय बिताना अच्छा लगता है, एक बार जरूर यहाँ पर आएं। तो दोस्तों, ये नीचे यहाँ पर एक कुछ घर दिखाई देते हुए, काफ़ी अच्छा और सुहाना मौसम होता हुआ यहाँ पर। अभी शाम के 6 बज रहे हैं और यहाँ से अभी भी जहाँ पर काफ़ी अच्छा शाम का यहाँ पर सूरज ढलने का नज़ारा यहाँ पर देखिए कुछ इस प्रकार दिखता हुआ, काफ़ी अच्छा सनसेट यहाँ पर देखने को मिल रहा है एकदम प्रकृति की गोद में। तो काफ़ी अच्छा व्यू पॉइंट एक सनसेट के हिसाब से भी। सोचा थोड़ा प्रकृति के साथ इन लम्हों को बिताता हूँ, थोड़ा रेस्ट करने के बाद, प्रकृति के लम्हों का आनंद लेने के बाद सोचा कि फिर से सफ़र को आगे बढ़ाया जाए और
फिर से हम अपने आगे के सफर के लिए निकल पड़े। जैसे जैसे सफर आगे बढ़ता गया, ऐसा लग रहा था कि बस अब और नहीं रहा जाता। अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंचने की एक अलग जोश और ऊर्जा के साथ हम तीनों आगे बढ़ते गए। बहुत टाइम से कैंपिंग की प्लानिंग कर रहा था, लेकिन कुछ कारणों की वजह से सफल नहीं हो पाया। पर इस बार फाइनली हमने अपने पर फाइनली हम अपनी डेस्टिनेशन पर पहुंच चुके हैं। और ये यहाँ पर एक छोटा सा तालाब आपको देखने को मिल रहा है, इसी के अगल बगल हम कहीं पर अपना कैंपिंग सेटअप लगाएंगे, तो बहुत मज़ा आने वाला है। बने रहिए हमारे साथ। अरे हमारे मित्र गौरव सिंह जी अभी जगह डिफाइन कर रहे हैं कि किस जगह पर हमारा कैंपिंग सेटअप होगा। एक बार मैं आपको चारों तरफ का व्यू बताता हूँ, काफ़ी सुंदर नज़ारा है यहाँ पर। तो दोस्तों ये हमारी डेस्टिनेशन और काफ़ी मज़ा आने वाला है, बने रहें वीडियो में अंत तक हमारे साथ। दोस्तों जैसे मैंने आपको बताया था कि वो लोकेशन, वो जगह, वो प्लेस वो आपके सामने है, उस जगह के बारे में, उस लोकेशन के बारे में जहाँ मैं आपको लेके जाना चाहता था, तो वो आपके सामने है। देखिए ये वो जगह है, और आज रात हम यहीं पे कैंप लगाएंगे, और आज रात यहाँ पे बहुत ही मज़ा आने वाला है, बहुत ही फन होने वाला है। दोस्तों फाइनली डेस्टिनेशन पर पहुँच चुके हैं, तो काफ़ी सुंदर नज़ारा, यहीं पर कहीं हमारा कैंपिंग सेटअप होने वाला है, मैं आपको आगे ज़रूर बताऊंगा। तो दोस्तों ये वो जगह है जहां पर हम अपना कैंपिंग सेटअप करेंगे, और आपको एक बार मैं गौर से इस जगह को दिखाता हूं। और ये हमारे फौजी भाई साहब, अरे तालाब देखिए, काफ़ी छोटा सा तालाब, काफ़ी अच्छा यहां पर। तो आपको अब मिलता हूँ मैं अब कैंप लगाने के तुरंत बाद। तो इस डेस्टिनेशन पर हमने यहाँ पर कैंपिंग सेटअप तैयार कर लिया, और काफ़ी अच्छी लोकेशन पर, और काफ़ी मज़ा आने वाला है। और इसके बाद अभी हम अपना खाने बनाने की तैयारी यहाँ करते हुए, तो गौरव, तो दोस्तों अभी हम खाने में बनाने वाले हैं, जो स्पेशल डिश आपको सीधे देखने को भी मिलेगी वो आपके लिए सरप्राइज़ है कि आज हम खाने में क्या बनाने वाले हैं। और ये हम थोड़ा पानी के लिए चल, पानी लेने के लिए जाना पड़ेगा यहाँ से थोड़ी दूरी पर। दोस्तों यहाँ पर खाने बनने की तैयारी है, गौरव सिंह जो, इसलिए हमने उन्हें जिम्मा सौंपा है कि वो एक सेफ हैं जो आज हमारे खाने, हमारे लिए खाना तैयार करेंगे। तो इस जंगलों के बीच में ये खाना ऐसे तैयार होता हुआ, काफ़ी आनंद लेते हुए यहाँ पर प्रकृति का। अरे मैं आपको नज़ारा दिखूँगा, अभी शाम के 7 बज चुके हैं, और तो यहाँ पर प्याज कटता हुआ गौरव सिंह जी का। खाना तैयार है, ये मैं खाना आपको सीधे जब बनेगा उसके ही बाद दिखाऊंगा। और ये मेरा, हमारा पोर्टेबल गैस है। तो दोस्तों यहाँ पर ये हमारा बॉन फायर है, और ये हमारा कैंपिंग, कैंपिंग सेटअप। और ये यहाँ पर फौजी भाई साहब देखिए किस प्रकार आनंद लेते हुए। और अब मैं सीधा ले चलता हूँ आपको हमारे सेफ गौरव की तरफ। तो देखिए गौरव जी आज बना रहे राष्ट्रीय खाना खिचड़ी, तो राष्ट्रीय डिश के से भी जाना जाता है। और गौरव सिंह जी जो कि हमारे एक सेफ हैं, बड़े बड़े होटलों में उन्होंने काम किया, और आज हमारे साथ भी अपनी सेवाओं का आनंद देते हुए। तो ये खिचड़ी सिंह जी अब इसे हाफ डन हो चुका, आधा बन चुकी और आधा बनने के लिए तैयार है। और गौरव सिंह जी अनुरोध है कि आग की फ्लेम को थोड़ा तेज करें। तो अभी यहाँ पर देखिए दोस्तों तेल अभी गर्म होने में थोड़ा टाइम लगेगा, और उसके बाद ये, और ये देखिए
को पूरा एंजॉय करते हुए एक लाइट थी जो कि हमारी घर पर ही छूट गई थी, उसके कारण थोड़ा परेशानी उठानी पड़ रही है, वरना पूरा प्रोग्राम सही चल रहा है। मेन डक जो इतने डर डर की आवाज़ कर रहे हैं, मुझे नहीं लगता कि आज की रात अच्छी कटने वाली है दोस्तों। तो गौरव, इसका भी एक्सपीरियंस हम आपको कल सुबह बताएंगे कि रात किस तरह से कटी। काफ़ी मज़ा आ रहा है, तो गौरव सिंह जी भी काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं। तो गौरव जी, क्या कहेंगे आप आज की रात के बारे में? रात तो मुझे नहीं लगता कि कुछ खास होने वाली है, क्योंकि मेंढकों ने जो हमला किया है यहाँ पे हमारे ऊपर, वो बहुत ही ज़्यादा, इसकी उम्मीद थी नहीं हमें, लेकिन जैसे जैसे शाम हुई उनकी आवाज़ें बढ़ती गई और इतनी ज़्यादा है कि जो हमारा एक होम थिएटर है वो भी उसे कवर नहीं कर पा रहा है। तो अभी तो जी जैसा कि उन्होंने बहुत कोशिशें की उन्हें भगाने की, लेकिन उम्मीद से बढ़कर यहाँ पर मेंढकों की आवाज़ें टर टर करती हुई। तो अगर आप भी कभी कैंप लगाने जाएं भविष्य में, तो कृपया इधर उधर अगर कोई तालाब हो खास कर तो तालाब के समीप, तो आपसे यही करूँगा कि कृपया कैंपिंग न करें, क्योंकि उसकी टर टर की आवाज़ से आप परेशान हो जाओगे और कैंपिंग का मज़ा किरकिरा हो जाएगा। तो अगर आप भी भविष्य में कैंपिंग करें तो थोड़ा ध्यान दें उस तालाब के अगल बगल में कहीं मेंढक तो है नहीं। तो यही मैं आपको एक न्यूज़ देना चाहता था, मतलब एक टिप्स और ट्रिक्स। मुझे भी इतना एक्सपीरियंस है नहीं, लेकिन आगे आगे मैं आपको कैंपिंग की ऐसी, यहाँ पर सलाद की व्यवस्था भी है, तो अब खाना तैयार लगता हुआ हमारा। तो ये आपको मैं बता दूँ, राष्ट्रीय नेशनल डिश के रूप में जिसे जाना जाता है खिचड़ी, तो टेस्ट करने के बाद ही बताएंगे गौरव जी ने कैसी राष्ट्रीय डिश खिलाई है। फिलहाल तो यहाँ पर सलाद ऐड होता हुआ, तो पवन जी कृपया खाने खाने के लिए आएँ। तो गोलू यहाँ दोस्तों यहाँ पर खाना खाया जाता हुआ, और ये हमारा काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं हम इस नाइट को। तो दोस्तों काफ़ी मज़ा आ रहा है, अगर आप में अगर आपको भी कैंपिंग का शौक़ है तो आप भी हमारी तरह कैंपिंग कर सकते हैं और कैंपिंग का भरपूर आनंद ले सकते हैं। चल हम निकलें। तो दोस्तों यहाँ पर देखिए अभी हम खाना खुना खा के सोने के लिए तैयार हो। तो दोस्तों अभी यहाँ पर देखिए हम खाना खुना खा कर अभी थोड़ा विश्राम करते हुए, तो काफ़ी इंजॉय कर रहे हैं तीनों हम यहाँ पर, और काफ़ी मज़ा आ रहा है, और हमारे फौजी भाई साहब काफ़ी खुश नज़र आ रहे हैं मुझे। और बताएंगे पवन सिंह कैसा अनुभव हो रहा है आपको? कुछ नहीं उनके लिए कुछ नहीं। दर्शकों ये कह रहे, तो दोस्तों ये बोल रहे हैं कि इनके लिए कुछ नया है नहीं, क्योंकि एक आर्मी में भी काफ़ी कैंपिंग करते हैं, लेकिन गौरव सिंह जी जिनका कि सपना था कि कैंपिंग करने का, आज वो फाइनली पूरा होता हुआ। तो अंकित सिंह का भी सपना, ये सपने सच होते हैं, ये हमने करके दिखाया है, तो आप भी कर सकते हैं अपने सपने पूरे। तो उठाइए, तो उठो जागो, वीरवान साहसी बनो, जो शक्ति तुम चाहे वो स्वयं तुम्हारे अंदर विद्यमान है, स्वयं अपने भाग्य के निर्माता बनो और अपने हाथों अपना भविष्य कर डालो। हौसलों के तरकस में वो तीर जिंदा रखो, हार जाओ जिंदगी में सब कुछ, लेकिन फिर से जीने की उम्मीद जिंदा रखो। तो दोस्तों इसी के साथ मैं आपसे विदा लेता हूँ। गुड नाइट, सब्बा खैर, बाय बाय।